साईराम, मेरे प्यारे बच्चे, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। ये तुम्हारा जीवन है, इस शक्ति का उपयोग करो और जो जीवन तुम्हें सही और उचित लगता हो उस जीवन को जियो। निराश और मायूस होना छोड़ दो। अगर तुम सिर्फ अपनी तकलीफ के बारे में सोचते रहोगे तो सिर्फ तकलीफ ही बढ़ती जाएगी। इसके बजाय तुम अपने जीवन में मौजूद आशीर्वाद के बारे में सोचो, उसके प्रति कृतज्ञता जगाओ। ऐसा करने से खुशियां दुगनी होती जाएंगी। अगर किसी ने तुम्हें दर्द दिया हो, अपना दर्द मुझ पर छोड़ दो, अपने जख्म मुझ पर छोड़ दो और आगे बढ़ के देखो। वो करो जो तुम्हारे मन को शांति देता हो, भले ही वो एक बहुत बहुत साधारण काम हो। हार और जीत दोनों ही सूरतों में पहला सवाल खुद से करो। वो करो जो तुम्हारे बस में हो, जो तुम्हारे बस में नहीं उसे एक प्रार्थना के साथ मुझ पर अर्पित कर दो। भरोसा और धैर्य कभी ना छोड़ना। श्रद्धा वो रचनात्मक शक्ति होती है जो हर सूरत में तुम्हारा श्रेष्ठ खींच लाती है। किसी पल का इंतजार ना करो आनंद का अनुभव करने के लिए। एक श्रद्धा और सबूरी से भरे भक्त के लिए हर पल सुंदर और एक समान होता है। तुम कभी अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ इस ब्रह्मांड की कई वो शक्तियां हैं जो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ चाहती हैं। तुम्हारे बाबा तुम्हारे हर अधूरे काम को पूरा करेंगे। हर चुनौती के ऊपर विजय पाने में तुम्हारा सहयोग करेंगे। अपने साईं के लिए एक बार फिर मुस्कुरा दो। तुम्हारी हर एक मुस्कान मुझे बेहद पसंद है। जय साईं राम।